मैं हूँ पूजा और आपका स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। और ब्यूटीज, आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है उनके लिए जो बिगनर है मेकअप में और जो या फिर सेल्फ मेकअप सीखना चाहते हैं। अक्सर जो बिगनर्स होते हैं उन्हें ये कन्फ्यूज़न रहता है कि हम पहले कौन सा मेकअप प्रोडक्ट यूज़ करें जिससे मेरा मेकअप परफेक्ट हो जाए। आज मैं आपको वही बताने वाली हूँ कि मेकअप प्रोडक्ट में कब क्या यूज़ करना है। आपसे शेयर करने जा रही हूँ मेकअप प्रोडक्ट्स के नेम एंड यूज़। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आता है फेस प्राइमर। फेस प्राइमर से आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहता है और जो केमिकल अपन मेकअप में यूज़ करते हैं हार्मफुल केमिकल, उससे आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट है फाउंडेशन। मेकअप का बेस तैयार करना होता है जिसके लिए फाउंडेशन सबसे ज़्यादा जरूरी है। नेक्स्ट है कंसीलर। अगर आपके फेस पर दाग धब्बे, एक्ने या फिर पिगमेंटेशन है तो आप कंसीलर का यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है लूज पाउडर। लूज पाउडर मेकअप को सेट करने में काम आता है और ये आपकी स्किन को अच्छी फिनिशिंग भी देता है। तो नेक्स्ट स्टेप है कंटोरिंग। अगर आपका फेस फ्लफी है और आप इसे स्लिम दिखाना चाहते हैं तो आप कंटोरिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप है ब्लश। और ब्लश चिकबोन पर लगाया जाता है, इसे हमारे फेस पर अच्छी फिनिशिंग आती है। नेक्स्ट है हाइलाइटर। स्किन को ब्राइट लुक देने के लिए हाइलाइटर को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट स्टेप है आई शेडो। और अगर आप मेकअप में बिगिनर है तो आप बेसिक शेडो ही यूज़ कीजिएगा। अब नेक्स्ट स्टेप है आईब्रो पैलेट। जो भी आपके आईब्रोज का कलर है आप उसी कलर की आईब्रो पैलेट ले सकते हो। अब नेक्स्ट स्टेप है लाइनर, काजल और मस्कारा। ये आप वाटरप्रूफ ही ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नेक्स्ट स्टेप है आप लिपस्टिक एंड लिप लाइनर। ये आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग कोई भी शेड ले सकते हो। एंड लास्ट है मेकअप सेटिंग स्प्रे। मेकअप सेटिंग स्प्रे आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है। और रही बात मेकअप ब्रशेस की, तो सभी ब्रशेस के अलग अलग यूज़ होते हैं। मैं उसका अलग से वीडियो बना दूंगी जो कौन कौन से ब्रश कब कब यूज़ होते हैं। ओके बाय। नेक्स्ट ब्यूटीज मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।